जैसे हम लोग शूट करते कोई भी एपिसोड, अभी आप देखो जय माली वाला जो है, मेरे ख्याल से वो 4 महीने पहले शुरू हुआ था। टाइप्स होते हैं किसी फिल्म का रिलीज आई है, उम्र ये बोला कि हमारे पास बैंक नहीं है, हम रातों रात 2 बजे हमें 2 बजे हम लोग वोट करते हैं 2 बजे भाई, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, आएगा आपका एपिसोड आया था देखो। गांधी जी भी नाराज थे ना, भगत सिंह भी नाराज थे, तो अंग्रेजों को भगाया उन्होंने। आदमी नाराज कब होता है, जब उसको तकलीफ होती है, कुछ उसका राइट्स नहीं मिलता है, उसका हक नहीं मिलता है, तो उसको तकलीफ होती है। कपिल मेरे हिसाब से एक ऐसे एक्टर है जो अभी अभी पनपे है, आप लोग सब जानते हैं, दुनिया जानती है वो भी, और उनकी जो सक्सेस है उसमें हम खुश हैं यार, अल्लाह उनको और दे, लेकिन उनको हमारे जैसे एक्टरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी फीलिंग्स होती है। अगर हमको सेलिब्रिटी गेस्ट बोल के बुलाया है और फिर हमको बोलेंगे गैग है, दिस इज़ नॉट फेयर। ये K9 प्रोडक्शन है, आप चैनल पर ब्लेम नहीं कर सकते, चैनल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कपिल पूरी सब कुछ सब कपिल के प्रोडक्शन से ही होता है, एवरीथिंग डिसाइड बाय कपिल एंड हिज प्रोडक्शन। तो रिस्पेक्ट दो यार, अगर किसी को बुलाए हो तो, यू नो, आप जवाब नहीं देते हो तो फिर, अगर आज मैं यहाँ देख लिया, मुझे नहीं पता था वो आने वाला है, मैं उसको रोक के पूछा यार कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, तो बोलता मेरा नंबर बदल गया, आई डोंट नो, वो सेम ही नंबर है, मैं तो अभी भी वही नंबर पे। तो अभी उन्होंने कहा है कि सॉरी यार कि अगर तेरे को ऐसा लगा है तो, लेकिन मैंने बोला तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए यार एक्टरों का, बिकॉज तुमने वो चीज़ें देखी है। आज अगर आपके हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इट्स ओके कपिल, जनता के हिसाब से मैं हूँ, और फैंस और जनता ही लोगों को बनाती है, मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला। आज मैंने, आपने, कपिल ने, 1 साल हुआ है कपिल को ये सक्सेस देखे हुए, साथ साथ में मेरा भी एक शो चलाया बिग बॉस, जिसमें मैंने लोगों को बहुत इंटरटेन किया है, मीडिया को भी किया है, सबको किया है। तो मैं भी एक एक्टर हूँ जिसने अपना राइट्स मांगा है, और कपिल को इसीलिए मैं वो पूछ रहा था, और उसने कहा कि अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने उससे यही कहा कि तुमको रिप्लाई देना चाहिए यार, और अगर तुम देखे हो न्यूज़ देख के, तो एक एक्टर को फ़ोन करते कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो यार, बस वही पूछ रहा था। अभी वो बोले कि नहीं मुझे पता ही नहीं था ये सब, आई डोंट बिलीव, बट ठीक है, देखता हूँ जिस तरह से मेरा एपिसोड आता है या एडिट करके आता है या कैसे आता है, वो तो सब कपिल के हाथ में ही है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। कपिल ने एक बात कही कि आपका जो शो होगा वो आएगा, अभी उन्होंने हालांकि काफ़ी मारा पाटी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आएगा शो, तो आपसे आपसे लिफ्ट में भी उन्होंने कुछ बात कही कि नहीं, उन्होंने लिफ्ट में मुझसे यही कहा कि इजाज, लिफ्ट में उनसे मैं यही पूछ रहा था कि मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप मेरा गीग मत दिखाइए। मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये चाहता था कि अगर आपके 10 बिलियन फैंस हैं, मेरे 3 मिलियन होंगे, तो वो 13 मिलियन लोग ये देख के बहुत खुश होंगे कि एक नंबर मानस और बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि लोगों को मेरी भी कॉमेडी और मेरी टाइमिंग पसंद है, उस हिसाब से कपिल भी एक नंबर 1 कॉमेडियन ऐसा लोग बोलते हैं, वैसा मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि रेस तब तक जारी रहती है तब तक इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे किसी का एक नंबर नहीं होता है, इसीलिए मैंने जनता को एक नंबर कहा है, जनता बनाती है सबको एक नंबर, तो वो कब किसको थर्सडे नाइट को बना देती है वो जनता डिसाइड करती है। तो मेरे हिसाब से मैंने यही कहा कि वो 13 बिलियन लोगों को कपिल मज़ा आएगा, पर इनके हिसाब से एनीवे अभी भी कुछ तकलीफ नहीं, कपिल ने बोला है कि उसको उसी तरह से लाएंगे जैसे बोला है, प्रोमो चलाएंगे उसके जिस तरह से मुझे करने से पहले बोला गया था, बिकॉज मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे कुछ फैंस हैं, और मेरे फैंस का भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरा भी है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट गिराना नहीं चाहूँगा कोई भी छोटा सा रोल या कोई ऐसा काम करके जिससे वो लोग नाराज़ हों। एक आखिरी सवाल कि जैसा कि अभी हमारे सामने प्रॉमिस करके गए हैं कपिल की ऑन एयर होगा, अगर नहीं होता नहीं, रिएक्शन क्या होगा? फिर मैं वही सोच के आगे बढ़ जाऊंगा लाइफ में कि ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने कुछ बेहतर ही किया होगा, तभी तो वो चीज़ बाहर नहीं आ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो आएगी बाहर, और उसी तरह से आएगी जिस तरह से शूट हुई है, क्योंकि एडिटिंग तो मेरे हाथ में नहीं है, और उसको कैसे दिखाना वो भी मेरे हाथ में नहीं है, तो जैसे वो दिखाएंगे उस पर डिपेंड करता है। गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे या फिर अपनी
एक नंबर जैसे भाईगिरी, नहीं मैं भाईगिरी नहीं, मैं सिर्फ अपना राइट्स मांगूंगा। देखो मैंने मैंने इससे पहले कभी कपिल, मैं कोई पब्लिसिटी ईटर नहीं हूँ, मीडिया भी मेरे बाइट चाहती है, मैंने जिस आदमी का भी नाम लिया मैं सिर्फ अपने राइट्स सबके सामने मांगता हूँ। ये मेरा है, अगर मेरा कुछ है, मैं कोई आई एम नॉट कोई सम चीप पब्लिसिटी टीकर के मेरे को उससे पब्लिसिटी चाहिए। मैंने तो सिर्फ उनसे जो एक फॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से पूछा है, और उस तरीके से मैंने उनको पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैं आज यहाँ पे उनसे मिला, तो मैं उनसे पूछा। मैं इसलिए उनसे बाहर मिला, मीडिया अंदर थी, मैं अंदर भी ये बात पूछ सकता था, लेकिन मैं बाहर मिला उनसे, और तब तक सब लोग आ गए और मैंने सबके सामने उनसे पूछा कि भाई क्या है। उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता था, मेरा नंबर बदल गया है। बस मैं यही कहूँगा कपिल से कि कपिल यार सिर्फ ये सोचो कि तुमने भी ये सफ़र किया है जो मैंने किया है, तो कम से कम तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यू नो रिस्पेक्ट एक्टर्स ब्रो, यू नेवर नो यार, हर अच्छी चीज़ का अंत होता है कपिल, हम सब का अंत होगा, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। भाई गिले से क्यों तो होते रहेंगे, चाहते थे एक नंबर, अगर आपके अंदाज में दर्शकों को एक नंबर, एक नंबर घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खा रहे चमनप्रास। थैंक यू सर।